हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे हैं। कॉमर्स की पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, और किस तरीके से ये जो जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी को बढ़ाते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये लेक्चर, पूरा देखिएगा, आपको सारी टॉपिक समझ में आ जाएगी। एंड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे तरीके से सुनिए। एंड यस, हम लोगों ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी आप स्टडी कर सकते हैं। वहां पे मैं डायरेक्टली लाइव क्लासेस लूंगा, जैसे यहाँ पे जूम पे हो रही है, मैं वहां पे डायरेक्टली लाइव क्लासेस लूंगा, तो वो ज्यादा सुटेबल होगा। और दैट विल बी मच मोर इजियर फॉर मी एंड फॉर यू टू, क्योंकि सारी चीजें जो है एक जगह पे होंगी, तो आप स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हालांकि अभी वो लॉन्च नहीं हुआ है ऐप, मैं ये भी बता दूं, ऐप लॉन्च का जो डेट है वो 5th ऑफ सेप्टेम्बर है। टीचर्स डे के दिन मैं ऐप को लॉन्च करूंगा, तो उस दिन से आपको सारी चीजें जो है उसमें दिखने लगेंगी। फिलहाल आप डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक है। तो लेक्चर अब स्टार्ट करेंगे, चलिए फिर देखते हैं, हाईलाइट करता हूँ, चलता हूँ, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विद सूटेबल एग्जांपल्स, हाउ डू दे इनहैंस टू एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं वो काम करते हैं, और किस तरीके से ये एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं और उनकी एफिशियंसी को इनहैंस करने के बारे में हम बात करेंगे, इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द डिवीजन ऑफ द टास्क, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड ओवरऑल अकम्प्लिशमेंट ऑफ द टास्क, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है तकरीबन हर एक चीज को, जैसे कि आपका डिवीजन ऑफ द टास्क, किस तरीके से आपने किस तरीके से अपने टास्क को डिवाइड किया है बिटवीन द स्टूडेंट्स, राइट। तो वो चीजें मैटर करेंगी आपके लिए कि आप किस तरीके से चीजों को, आप टास्क को डिवाइड कर रहे हो बिटवीन योर एम्प्लॉइज। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, आपने एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया। कोऑर्डिनेशन, आपको जो करना है या जो जो आप जो आपकी एक्टिविटीज है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम, या फिर आपका टास्क टाइम पे पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करता है। सिंस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिलेट्स टू द रिलेटिवली स्टेबल रिलेशनशिप एंड प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स मस्ट बी एनालाइज फॉर डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, है ना। तो देखो, ऐसे ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के काम करने के लिए बहुत जरूरी है कि उसके अंदर जो भी रिलेशनशिप है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, या जो डिपार्टमेंट्स है उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहे, राइट। तो वो तभी बना रहेगा जब आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से होगा। तो ऐसे कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उन्हीं सारे फैक्टर्स के बारे में हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। According to Robbins, organizational structure stipulates how tasks are to be collected, who reports to whom, and the formal coordinating mechanism and interaction patterns that will be followed. ठीक है, so according to Robbins, Robbins के according जो है organizational structure का मतलब होता है कि किस तरीके से किसी कार्य को किया जाएगा, कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है ना। जो फॉर्मल कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉय, वो किस तरीके से होगा और किस तरीके का पैटर्न फॉलो किया जाएगा इस चीज को करने के लिए, ये सारी की सारी चीजें जो है आपको करनी होती हैं अकॉर्डिंग टू द रॉबिन, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। जॉन इवानोविच एंड माइकल मैकेसन हैव ऑल्सो एक्सप्रेस्ड द सेम व्यू एंड एडवोकेटेड दैट मैनेजर आर रिक्वायर्ड टू टेक द फॉलोइंग 4 डिसीजन फॉर डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए किसी भी मैनेजर को ये 4 डिसीजन लेने होते हैं। इसका एक बहुत ही मतलब सिमिलर वर्ड्स है छोटा छोटा, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जिसको आप अगर सुनोगे तो आपको कुछ कुछ चीजें याद आ जाएंगी। आपने बीकॉम में भी किया होगा और 11th 12th में भी इस तरह की चीजें थोड़ी बहुत थी, तो आप कोरिलेट कर पाओगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है डिविजन ऑफ ओवरऑल टास्क इंटू स्मॉलर जॉब्स। देखो, आप एक बंदे को सारा काम दे दोगे, दिक्कत होगी। अगर आपके पास मैन पावर है तो आप कुछ कुछ को उनके स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग जो है आपको काम को उनको डिवाइड कर देना है, डिवीजन कर देना है काम का, कि भाई तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, और काम जो है आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है उसका मतलब है डिविजन ऑफ लेबर। यहाँ पे आपने लेबर को डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक, जो उनका स्पेसिफिक नॉलेज है या फिर जो उनकी क्वालिफिकेशन है, उसके बेसिस पे आपने उनके काम को डिवाइड कर दिया है और उनको दे दिया है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी अमंग द जॉब।
तो जॉब के अंदर जितने भी सारे लोग होंगे उनकी अपनी अपनी कुछ अथॉरिटीज होंगी, उसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आपके पास पूरी अथॉरिटी है, सेंट्रल लेवल पे आप हो। आपने क्या किया कि आपने उनको भी अधिकार दे दिया कि तुम मेरे जगह पे डिसीजन जो है ले सकते हो, ठीक है, लेकिन आप उस चीज के लिए अकाउंटेबल भी हो गए एट द सेम टाइम। तो ये हो गया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हमारा पॉइंट में होगा, यस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी अमंग, ये हो गया बेस्ड बाय विच द इंडिविजुअल जॉब्स आर टू बी ग्रुप टुगेदर, है ना। तो आप काम के हिसाब से आप एक ग्रुप बना दे रहे हो, जैसे कि सपोज कोई सेल्स के काम से जुड़ा है तो सेल्स का ग्रुप बन गया, कोई प्रोडक्शन के काम से जुड़ा है तो प्रोडक्शन का ग्रुप बन गया। तो ये ना एक तरीके से डिपार्टमेंट आप बोल सकते हो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट, इस तरीके से, ठीक है। तो वो हो गया, वो भी होगा, यस, डिपार्टमेंटेशन है ना, डिपार्टमेंटेशन ही है ना, हाँ डिपार्टमेंटेशन है। अगला और आखिरी पॉइंट है यहाँ पे, अगला आखिरी पॉइंट है द एप्रोप्रिएट साइज ऑफ द ग्रुप रिपोर्टिंग टू ईच सुपीरियर, है ना। जो साइज है ना वो किस तरीके का है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही कॉमन सा नाम है स्पैन ऑफ कंट्रोल। उसमें क्या होता है कि एक मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि वो कितने बंदे को एक साथ संभाल सकता है। सपोज एक मैनेजर है जो कि 10 बंदे को बहुत आसानी से संभाल पा रहा है, अब वहां पे अगर 15 हो गए, 20 हो गए, 100 हो गए, तो क्या वो उन सबको मैनेज कर पाएगा एक टाइम पे? नहीं कर पाएगा। बहुत जरूरी है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर डिसाइड किया जाए कि कौन सा मैनेजर कितने बंदे को संभालेगा, मतलब उसमें कितने बंदे को गाइड करेगा, तो वो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चार फैक्टर्स हैं जो कि मिल करके, ये चार कॉम्पोनेंट्स हैं जिससे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो तैयार होता है। अगर ये चारों चीजें बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगी, आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इफिशियंटली काम कर पाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। इसको मैंने कलर कर लेना है, ये हो गया, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में अब हम बात करेंगे कि क्या करना होता है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि काम को किसी भी बंदे के जो उसका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको डिवाइड करना था कि वो बंदा उस चीज को बहुत ही आसान तरीके से कर पाए, ठीक है ना। सो एडम स्मिथ का आपने नाम सुना होगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हम सभी को ही जानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, एडम स्मिथ एम्फसाइज ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर इन हिज सेलिब्रेटेड वर्क वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन उनका बुक का नाम था, आपको पता होगा ऑलरेडी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसको काम उसको सेलिब्रेट एक तरीके से करना चाहिए, उसको वही काम दो जो उसको आता है, ठीक है। सो इन द अर्ली 20th सेंचुरी हेनरी फोर्ड यूज्ड असेंबली लाइन ऑपरेशंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स, है ना। तो असेंबली लाइन ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है बाय द हेनरी फोर्ड। आपने फोर्ड कार का नाम सुना होगा, तो उसके जो जन्मदाता थे या फिर जो फादर आप बोल सकते हो, वो हेनरी फोर्ड थे, उन्होंने ही स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अर्ली 20th सेंचुरी में उन्होंने जो है एक असेंबली लाइन की किस तरीके से आप असेंबल करोगे, पहले आप ये करोगे इस कंपोनेंट को फिर उस कंपोनेंट को, इस तरीके से, तो एक असेंबली लाइन ऑपरेशन जो है स्टार्ट किया जाता है उनके मैन्युफैक्चरिंग जो वो करते थे ऑटोमोबाइल में, तब कारों का जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे वो हेनरी फोर्ड ने स्टार्ट किया। ही असाइंड अ स्पेसिफिक रिपीटेटिव टास्क टू ईच वर्कर, उसने एक एक ही काम को, लाइक जो कि रिपीटेटिव मैनर में हो रहा है, वो किसी ना किसी वर्कर को असाइन कर दिया। द होल टास्क वेयर ब्रोकन इन टू नंबर ऑफ स्मॉलर स्टेप्स एंड एक्टिविटीज। और उन्होंने क्या किया कि हर बंदे को बोल दिया कि तुमको इतना काम करना है, तुमको उतना काम करना है, तुमको उतना काम करना है, उसको ज्यादा नहीं करना है, बस उतना ही करना है जितना उनको बताया जा रहा है। तो स्मॉलर स्टेप्स में उनको बांट दिया गया कि आपको बस इतना करो, बाकी आपका जो सीनियर है वो आपका बाकी का काम कर लेगा। ईच स्टेप वॉज रिक्वायर्ड टू बी कम्प्लीटेड बाई सेपरेट इंडिविजुअल, और हर एक काम को जो है अलग अलग लोगों के द्वारा कंप्लीट करने के लिए बोल दिया गया कि एक काम को तुम करोगे, उसके बाद वाले काम को तुम करोगे, उसके बाद वाले काम को तुम करोगे, इस तरीके से, ठीक है। दस द इंडिविजुअल अटेंड स्पेशलाइजेशन इन परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। और इससे क्या हुआ कि एक बंदे को आइडिया हो गया, वो स्पेशलाइज हो गया उस काम में, उसको उस चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो गया कि इस काम को किस तरीके से करना है, भले ही उसके पास अगला स्टेप के बारे में जानकारी नहीं है, बट उसका पर्टिकुलर स्टेप के बारे में उससे अच्छी जानकारी किसी के पास नहीं है। तो उसको अच्छी सैलरी भी मिलेगी क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है, आपको पता है कि स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए सैलरी मिलती है अच्छी, ठीक है ना। तो वो काम हो गया। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज बीन यूजिंग द वर्क स्पेशलाइजेशन यू नो एक्सटेंसिवली ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस चीज का इस्तेमाल होता है, इवन अभी भी इस चीज का इस्तेमाल होता है ना। द डिवीजन ऑफ द लेबर विच रिजल्ट इन द वर्क स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा करने के क्या क्या फायदे थे, क्यों ऐसा किया गया, इसके क्या क्या यू नो फायदे हुए, मैं वो एक एक करके आपको बता देता हूँ। The performance of a specialized job enhances the work efficiency, hence the employee's skill can be used in most efficient way. इससे फायदा ये हुआ कि एक बंदा जब एक ही काम को बार बार किया जा रहा है तो उसको उस चीज का आइडिया होते जा रहा है, तो उसको जितना बेहतर उस चीज के बारे में जानकारी होगी वो उतने एफिशिएंटली वो काम कर पाएगा, और वो अगर काम कर पाएगा तो डेफिनेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग वो बहुत ही अच्छा है, राइट। तो जो परफॉर्मेंस ऑफ स्पेशलाइज जॉब इनहेंसेस द वर्क एफिशिएंसी, इसमें वर्क एफिशिएंसी बढ़ती थी और इम्प्लॉय का जो स्किल था वो भी बहुत ही एफिशिएंट वे में बढ़ता था।
दूसरा पॉइंट है, सिंस द वर्क साइकिल ऑफ द जॉब आर वेरी शॉर्ट, द वर्कर्स कैन अटेन परफेक्शन ऑन द जॉब क्विकली, है ना। और जो वर्क साइकिल जो कि छोटा हो गया था, उसको स्टेप में बांट दिया गया था कि तुमको यही करना है। तो जब वर्क साइकिल छोटा हो जाता है तो जो भी वर्कर होता है वो परफेक्शन हासिल कर लेता है उस चीज में, तो उस चीज के बारे में कंप्लीट आइडिया हो जाता है। इट इनहेंसेस प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसके कारण से जो प्रोडक्टिविटी आती है वो तो आती ही है, ये भी एक पॉइंट है। अगला है, द वर्कर्स कैन बी ट्रेन इजिली टू परफॉर्म द रिपीटेटिव वर्क, किसी भी वर्कर को आप बहुत ही आसानी से ट्रेन कर सकते हो कि वो फटाफट उस काम को कर पाए, तो बहुत ही आसान तरीका होता है। कोई भी बंदा अगर बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करेगा तो डेफिनेटली वो उस चीज को अच्छे तरीके से कर पाएगा। द ट्रेनिंग कॉस्ट आर रिड्यूस, अब यहाँ पे ट्रेनिंग कॉस्ट आपका घट जा रहा है क्योंकि आपको ट्रेन करने की जरूरत ही नहीं है, बार बार वो चूंकि एक ही काम को कर रहा है तो उसके उससे अच्छा ट्रेनिंग कर दिलाने वाला कोई नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना, तो वो बेस्ट है। इट इज इजियर टू मैच वर्कर्स विद स्पेसिफिक जॉब स्किल्स, अब इससे एक फायदा हुआ कि आप जॉब वर्कर को एक तरीके से मैच कर सकते थे कि ये बंदा इस काम को करेगा वो बंदा उस काम को करेगा इस तरीके से, ठीक है। ओके देन, थोड़ा सा मैं ब्रेक ले रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम लोग करेंगे, डिस्पाइट दीज बेनिफिट्स द डिविजन ऑफ वर्क हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, अब कुछ कुछ चीजें हैं जिसके वजह से डिवीजन ऑफ वर्क को एक तरीके से क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ऐसे कौन कौन सी बातें बोली गई डिवीजन ऑफ वर्क को लेकर के, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला, इट कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स, इसका इस्तेमाल जो है तकरीबन हर एक तरह के जॉब के लिए हो सकता है, वो समटाइम्स नुकसानदेह भी होता है। सपोज एक बंदे को एक ही चीज का नॉलेज है और सामने वाला बंदा अगर किसी दिन नहीं आया या कुछ और प्रॉब्लम हुई तो वो उस चीज को नहीं कर पाएगा, तो ये तकरीबन हर एक जॉब में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन एक बंदे को तकरीबन थोड़ी बहुत एटलीस्ट जानकारी होनी चाहिए कि सामने वाले बंदे को क्या करना है, इसलिए जब आप देखना बैंक में जाओगे तो बैंक में ना रोटेशन पॉलिसी चलती है, एक बंदा अगर कोई कैश काउंटर में बैठा है उसको कहीं और डाल देगा, एक बंदा मैनेजर मतलब किसी स्पेसिफिक चीजों को देखता है तो उसको कहीं और डाल देगा, तो इस तरीके से काम जो है होता रहता है ना। इट मे लीड टू मोनोटोनी एंड बोर्डम, सही बात है, जब आप एक ही काम को बार बार करते रहते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बोर हो रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो उस चीज वो भी आने का चांसेस होता है। अब जैसे बीइंग अ टीचर, में एक ही चीज को अगर सालों साल पढ़ाता चलूं पढ़ाता चलूं पढ़ाता चलूं, कुछ और सब्जेक्ट में ना पढ़ाऊं या कुछ यूनिक ना करूं तो मुझे भी लाइक बोर फीलिंग होने लगेगा, राइट, तो ये चीज दिक्कत यहाँ पे निकल करके आती है। इट फोकसेस ऑन फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब एंड अंडर एस्टिमेट्स द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ द वर्कर्स, है ना, तो इसमें जो मेन फोकस है वो एक तरीके से जो परफॉर्मेंस है किसी भी वर्कर का उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसमें जो बिहेवियर है वर्कर्स का उसके ऊपर कम ध्यान दिया जाता है, विच इज नॉट गुड, है ना। सो द पॉजिटिव फीचर ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर ओवर शो द नेगेटिव फीचर्स, लेकिन जो इसके पॉजिटिव फीचर्स हैं, जो इसके पॉजिटिव फायदे हैं, वो नेगेटिव चीजों को एक तरीके से ओवर शैडो कर देते हैं, कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। हेंस द वर्क स्पेशलाइजेशन हैज बीन वाइडली यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट मींस फॉर इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए सालों दर साल इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि किसी भी बंदे को किसी चीज में स्पेशलाइज बना दो ताकि वो उस काम को बहुत ही आसान तरीके से कर पाए, एफिशिएंटली वो चीजों को कर पाए, क्योंकि इससे फायदा कंपनीज का है, ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मैं देख लेता हूँ थोड़ा कितना बड़ा टॉपिक है, ये काफी बड़ा है, 2 पेज अभी और है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें कवर करने का, बट देखो बहुत ही आसान टॉपिक है, आप खुद से भी पढ़ के इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं दो दो पैराग्राफ करवा देता हूँ, जैसे ये पहला दो पैराग्राफ ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, डिपार्टमेंटेशन में भी यहाँ तक मैं कर लूंगा, एक पैराग्राफ में नहीं करा रहा आप उसको कर लेना, स्पैन ऑफ कंट्रोल भी मैं यहाँ तक करा दूंगा, ठीक है, इस तरीके से करके हम करते हैं, इससे क्या होगा थोड़ा सा टाइम बचेगा, आपको भी बोर्डम नहीं लगेगा, क्योंकि लंबा लेक्चर होने से कई बार ऐसा होता है कि लाइक लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो उस चीज के ऊपर भी मुझे ध्यान रखना है। एंड यस, बाकी के जो यहाँ पे छूट जा रहे हैं जो मैं नहीं करा रहा हूँ आप उसको पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आता है तो मैं डेफिनेटली आप मुझसे पूछना, मैं आपको ओवरऑल समझा दूंगा, ठीक है, या फिर जब लाइव क्लासेस हम अपने ऐप पर करेंगे तो वहां पे तो करेंगे ही, ठीक है। नाउ डेलीगेशन इज द प्रोसेस दैट अ मैनेजर फॉलोज इन डिवाइडिंग द वर्क असाइंड टू हिम सो दैट ही परफॉर्म दैट पार्ट विच बिकॉज ऑफ हिज पोजिशन कैन बी परफॉर्म इफेक्टिवली, ठीक है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब हो गया कि किसी बंदे को किसी काम के लिए अथॉरिटी दे देना कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारे ऊपर चूंकि इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो तुम ही इस चीज को संभालो, इस चीज को कैसे हैंडल करना है ये तुम ही संभालो, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, उसको एक तरीके से असाइन कर रहे हो कि भाई तुम इस काम को संभालो, इसके लिए जो भी डिसीजन लेना होगा वो तुम ही लो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो ये चीज होता है।
Delegation is legitimate authorization to a manager or employee to act in specified way. तो डेलीगेशन एक तरीके से लेजिटिमेट ऑथोराइजेशन होता है जो कि आप मैनेजर को प्रोवाइड करते हो या फिर इम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हो कि भाई तुम इस काम को करो और तुम्हें जैसे मर्जी वैसे करो, मुझे बस ये आउटकम मिलना चाहिए. ठीक. इट एनेबल्स हिम टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट रेफरेंस टू द सुपरवाइजर बट विद इन द लिमिट्स सेट बाय द सुपरवाइजर एट द नॉर्मल फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स पॉलिसीज रूल्स एंड प्रोसीजर्स. तो इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि जो भी बंदा को ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दी जाती है वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाता है, उसका जो फंक्शन होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है, उसमें बहुत ज्यादा रेफरेंस या फिर उसको सुपरवाइज करने की कोशिश नहीं की जाती है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का पावर होता है, लेकिन स्टिल उसको एक सुपरवाइजरी उसके ऊपर की जाती है, उसको गाइड किया जाता है ताकि वो जो नॉर्मल पॉलिसीज है जो कि कंपनी की पॉलिसीज है रूल्स एंड प्रोसीजर्स है उसके अंडर में रह करके ही वो काम करे. अगर आप उसको एकदम इंडिपेंडेंट कर दोगे वो एकदम अपने तरीके से करेगा तो हो सकता है कि वो आपकी जो पॉलिसीज है उसको ठीक तरीके से ना मान पाए. तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आपको सारी चीजें जो है करनी है. दस डेलीगेशन इन्वॉल्व्स, इसीलिए डेलीगेशन में क्या क्या हो जाएगा, इंट्रस्टमेंट ऑफ वर्क अनदर फॉर परफॉर्मेंस, है ना. तो यहाँ पे एक तरीके से काम आप एक्स्ट्रा उसको दे दे रहे हो, आप उसको अथॉरिटी दे दे रहे हो, वो हो जाएगा. ग्रांट ऑफ पावर, आपने उसको पावर दे दिया. राइट और अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज टू परफॉर्म द वर्क, आपने उसको पावर दे दिया कि वो काम को अपने तरीके से कर सकता है ना, अपने तरीके से उसको एक्सरसाइज कर सकता है. तो ये बहुत अच्छी चीज भी होती है और समटाइम्स गलत भी हो जाता है, जैसे कि मैंने बोला कि गाइड करना बहुत जरूरी है. क्रिएशन ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन एक्सेप्टिंग द डेलीगेशन. ठीक है, क्रिएशन ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन एक्सेप्टिंग द डेलीगेशन. तो एक तरीके से आपने एक ऑब्लिगेशन भी आपको तैयार करना है, जैसे कि मुझे अगर कोई पावर दिया जाता है, मुझे अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी प्रोवाइड होती है तो मेरा एक ऑब्लिगेशन भी तो रहेगा, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो रहेगी, है ना. पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है ना, जैसा कि वो फेमस स्पाइडरमैन वाले मूवी में कहा गया है, विद ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना. तो वही बात है, जब आपके पास पावर आ रही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है, तो आपका ऑब्लिगेशन होगा कि इस चीज को पूरा करना, है ना. तो क्रिएट क्रिएशन ऑफ एन एप्लीकेशन ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन एक्सेप्टिंग द डेलीगेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है. ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज एंड रोल्स. ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन को आप कैरेक्टराइज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेटवर्क एंड एक्टिविटीज एंड रोल्स. इस तरीके से डेलीगेशन डेलीगेशन इज द प्रोसेस थ्रू थ्रू विच द इंटर रिलेशनशिप्स आर क्रिएटेड अमंग इंडिविजुअल्स इन देयर डिफरेंट रोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आई होगा आपको समझ में आ गया होगा. अगर आप इसका सिर्फ पहला पैराग्राफ भी लिखोगे ना एग्जाम में, बहुत है. ठीक है, आपको पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, बट मैं चाहूंगा कि आप एक बार पढ़ लो ताकि एग्जाम में आप उसको लाइक बड़ा करके लिख पाओ. ठीक है, बट अगर आप फर्स्ट वाला भी लिखते हो तो ये कम से कम आधा आधा से ज्यादा पेज ही ये लेगा. ठीक है, पेज भरना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. ठीक है, तो वो करना एकदम. अगला है डिपार्टमेंटेशन. डिपार्टमेंटेशन के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक डिपार्टमेंट तैयार करा कर देना. सेल्स का एक डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट हो गया, क्वालिटी चेक का एक डिपार्टमेंट हो गया. तो डिपार्टमेंटेशन का मतलब होता है कि जो सेम तरह के लोग हैं जो सेम काम को कर रहे हैं उनका ग्रुपिंग कर देना, उनका ग्रुप तैयार कर देना. ठीक है, द डिविजन ऑफ द लेबर डिवाइड्स द जॉब्स इनटू स्मॉलर एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट दीज एक्टिविटीज दे आर ग्रुप टुगेदर, है ना. तो डिविजन ऑफ लेबर में क्या किया था आपने, काम को छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया था और उन सारे हिस्सों को लाइक एक जगह करने के लिए, एक एक्टिविटीज को एक तरीके से साथ में करने के लिए आपने उसको क्या किया, ग्रुप कर दिया. द बेसिस बाय विच दीज एक्टिविटीज आर ग्रुप टुगेदर आर नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन. अब जिस बेसिस पे आप एक्टिविटीज को ग्रुप करोगे वो हम कहेंगे उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन. ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग डिपार्टमेंट्स और ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू नंबर ऑफ सेपरेट यूनिट्स फॉर द पर्पस ऑफ एफिशिएंट फंक्शनिंग. ठीक है, तो डिपार्टमेंटेशन को आप डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से कि इसको फॉर्म या फिर इसको ग्रुप इसलिए किया जा रहा है ताकि जो सेपरेट यूनिट्स हैं वो एक साथ में मिल करके, जो लोग हैं वो एक साथ में मिल करके किसी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाए, है ना. उनके उन्हें जो भी सेम तरह के काम कर रहे हैं उन सबको उनका एक ग्रुप बना दिया गया कि आपका काम यही है, अब आप सब मिल करके एक साथ में इस काम को जो है करो. दिस टर्म वैरी ग्रेट डील बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. अभी भी देखो अलग और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये वैरी भी करता है, इसको भी ध्यान में रखना है. फॉर एग्जाम्पल इन बिजनेस अंडरटेकिंग टर्म्स एंड डिविजन डिपार्टमेंटेशन एंड डिपार्टमेंट एंड सेक्शन. इन गवर्नमेंट में क्या होता है, दीज कॉल्स कॉल्ड ब्रांच, इसको ब्रांच बोला जाता है, डिपार्टमेंट बोला जाता है, सेक्शन बोला जाता है. इन मिलिट्री में क्या होता है, इसको रेजिमेंट या फिर बटालियन ग्रुप्स या फिर कंपनी बोला जाता है. ठीक है ना, तो ग्रुपिंग की जाती है, लोगों को एक ग्रुप में डाल दिया जाता है, इसको हम कहेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन. ठीक है,
ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको भी कर लेते हैं. द इम्पैक्ट ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन इज अ डिलिनिएशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अ ग्रुपिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अब देखो, जो भी बंदा इस ग्रुप, अब ये जो ग्रुप वाली जो बात मैंने कही है, ग्रुप तैयार किया जाता है, तो ग्रुप को मैनेज करने के लिए भी किसी ना किसी को रखा जाता है, ठीक है ना. तो उसका जो इम्पैक्ट है उसको एक तरीके से मेजर करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है किसी ना किसी को, जो कि उन सारे के सारे ग्रुप के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को चेक करता रहता है ना. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी लेवल इन द हायरार्की बिलो द एपेक्स इज डिपार्टमेंटलाइज्ड एंड ईच सक्सेडिंग लोअर लेवल इन्वॉल्व फर्दर डिपार्टमेंटल डिफरेंशिएशन, है ना. तो जो एपेक्स बॉडी है, जो एकदम ऊपर की बॉडी है, उसके नीचे जो जितने भी सारे लोग होंगे वो डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर ही एक तरीके से बटे हुए होते हैं, ठीक है ना. जैसे कि मैंने बोला कि मैनेजर है, ठीक है, एक हेड मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, उसके बाद फिर अलग अलग मैनेजर है, जो कि सेल्स मैनेजर है, कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, कोई कुछ मैनेजर है. अब उस सेल्स मैनेजर के अंदर में सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन के मैनेजर के अंदर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. तो ग्रुपिंग जो है वो ऊपर से एक हायरार्की के रूप में चलती हुई आती है, तो वो बात यहाँ पे बताई गई है. ओके, स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे. जैसा कि मैंने स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में बताया कि कितने लोगों को एक मैनेजर एक तरीके से एट अ टाइम संभालेगा, ठीक है ना, या फिर मैनेज करेगा आप बोल सकते हो, वो यहाँ पे एक तरीके से बताया जाता है, ठीक है. द डिपार्टमेंटेशन रिफ्लेक्ट्स द टाइप ऑफ जॉब्स विच आर ग्रुप टुगेदर. डिपार्टमेंटलाइजेशन एक तरीके से ये बताता है कि किस तरीके के जॉब को ग्रुप किया गया है ना. एंड डिफरेंट पर्सन आर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग दीज जॉब्स, और अलग अलग लोग जो है इसमें इस काम को करने के लिए चुने जाते हैं या फिर उनको सेलेक्ट किया जाता है. दे आर रिक्वायर्ड टू बी सुपरवाइज क्लोजली, और उनको सुपरवाइज करने की भी आवश्यकता पड़ती है. अब यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल का रोल आएगा. स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज. तो यही वो डेफिनेशन है, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि एक मैनेजर बहुत ही इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है. अगर उससे ज्यादा होगा तो उसको दिक्कत होगी, ठीक है. दस इट इज एक्सपेक्टेड दैट स्पैन ऑफ कंट्रोल दैट इज द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द सुपीरियर शुड बी लिमिटेड सो एज टू मेक सुपरविजन एंड कंट्रोल इफेक्टिव. तो ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है कि जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है उसमें जो नंबर्स हैं सबॉर्डिनेट्स के, वो मिनिमल होने चाहिए, मतलब इतने होने चाहिए जितना कि वो लोग मैनेज कर सके, है ना, ताकि आप जब अपनी रिपोर्टिंग करो अपने मैनेजर को, वो तो वो ठीक तरीके से आपको सुपरवाइज कर सके. अब बीइंग अ टीचर, अगर सपोज मैं एक एट ए टाइम, मेरा भी तो एक लिमिट है ना, मैं एट ए टाइम अगर 1,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो क्या ये पॉसिबल है? सारे बच्चों का रिपोर्टिंग अगर मैं समझूंगा, सारे बच्चों को अगर मैं असेस करूंगा कि किस तरीके से उनका रिजल्ट वगैरह आ रहा है, तो ये मुश्किल काम है मेरे लिए. बट हाँ, अगर मैं 50 या 100 बच्चों को भी एट ए टाइम देख रहा हूँ तो सबको तो प्रॉब्लम होगी नहीं, जिसको उनको प्रॉब्लम होगी मैं उनको सुपरवाइज कर सकता हूँ, ठीक है. तो वो चीज का फायदा जो है यहाँ पे समझ में आता है. जब आप इसको जब आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर लोग कम होंगे तो उनको सुपरवाइज करने में भी उतनी ही आसानी होगी, ज्यादा होंगे तो आपको दिक्कत होगा. तो वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका मिनिमल होना चाहिए ताकि जो सुपरविजन है या फिर कंट्रोल जो है वो बहुत ही इफेक्टिव वे में हो पाए. दिस इज बिकॉज एग्जीक्यूटिव्स हैव लिमिटेड टाइम एंड एबिलिटी, ठीक है. और ये इसलिए भी होता है क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स के पास टाइम भी कम होता है और उतनी एबिलिटी भी नहीं होती है कि वो एक साथ उतने सारे लोगों को मैनेज कर पाए, ठीक है. स्पैन ऑफ कंट्रोल का जो अगला पैराग्राफ है, मैं चाहूंगा कि आप इसको पढ़ लो, इतना मुश्किल नहीं है. अगर समझ में नहीं आता है स्टिल, वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है. टॉल एंड फैट स्ट्रक्चर, इसको भी कर लेते हैं. सो अ टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वुड हैव मेनी हायरार्कियल लेवल्स. एक टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बहुत सारे हायरार्कियल लेवल्स होते हैं. हायरार्की का मतलब होता है कि पहले एक चीज, उसके बाद एक चीज, फिर उसके बाद एक चीज, इस तरीके से हायरार्की होती है, ठीक है ना. जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एपेक्स बॉडी, उसके नीचे फिर मैनेजर, उसके नीचे फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर, उसके नीचे फिर सबॉर्डिनेट जो कि उनका काम कर रहे हैं, बस वो सारे, ठीक है. तो वो हायरार्की में होता है, ठीक है. देयर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन द टॉप मोस्ट मैनेजर एंड द बॉटम मोस्ट मैनेजर. अब यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है बिटवीन द टॉप मोस्ट मैनेजर, जो टॉप मैनेजर पे जो है, और जो लोअर मैनेजर है. तो दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है जब हायरार्की की हम बात करते हैं. तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ जॉब टाइटल्स एंड करियर पाथ टू द एम्प्लॉई. एम्प्लॉई के पास भी बहुत सारे काम उनको दे दिए जाते हैं, जॉब टाइटल्स उनके पास बहुत ज्यादा होते हैं, करियर पाथ बहुत ज्यादा होते हैं. फ्यूअर नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अ पर्टिकुलर मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू गाइड. तो कम लोगों को अगर वो मैनेज करेगा तो आसानी से कर पाएगा. सो फ्यूअर नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अ पर्टिकुलर मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू गाइड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वुड बी टॉलर. अगर वो कम लोगों को गाइड करेगा तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो क्या होगा, टॉलर होगा, लंबा होगा, फ्लैट नहीं होगा, टॉलर होगा. याद रखो, फ्यूअर नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अ पर्टिकुलर मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू गाइड. जो सबॉर्डिनेट्स हैं अगर वो कम होंगे और उनको उन्हें मैनेज करना होगा तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वुड बी टॉलर. जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा वो टॉलर होगा, याद रखो. कॉन्ट्रारली अ फ्लैट स्ट्रक्चर वुड हैव वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है. फ्लैट में क्या होगा,
कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही वाइड होगा, जैसे कि स्पैन ऑफ कंट्रोल हम लोगों ने किया उसी का स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे जो है दो तरीके का होता है, या तो टॉल होता है या तो फ्लैट होता है। तो अगर आपके कम लोग हैं उन्हीं को आपने मेजर करना है, उन्हीं को आपने ठीक तरीके से संभालना है, यू नो वन बाई वन जो है कि ऑर्डर में है, तो वो एक तरीके से टॉलर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। और फ्लैट में क्या होगा कि जब आपके पास ज्यादा लोग होंगे, मतलब एक लाइन से बहुत सारे लोगों को आपने मैनेज करना है, ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो वाइड हो जाएगा आपके फ्लैट स्ट्रक्चर के केस में, द नंबर ऑफ हायरार्की विल बी लेस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हायरार्की जो होगी वो लेस होगी, लेकिन वो सारी की सारी चीजें जो है एक लाइन में होंगी। आप चीजों को समझो, हायरार्की है 1 2 3 4 5 6, एक टेबल बना हुआ है ऊपर से लेकर के नीचे तक का, तो ये टॉल हो गया। लेकिन वही 1 2 3 4 5 अगर आपने फ्लैट लिखा है, ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट लिखा है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ नहीं किया आपने, ईस्ट टू वेस्ट कर दिया, आई होप कि समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अगर फ्लैट होगा तो उसका जो स्पैन है वो वाइड होने लगेगा, उसमें हायरार्की कम होगी लेकिन वो वाइड हो जाएगा। जहां पे हायरार्की ज्यादा होगी वो टॉलर होगा, जहां पे हायरार्की नहीं होगी या कम होगा वो फ्लैट होगा, ठीक है। हायरार्की जब ज्यादा होगी, जब टॉल होगा तो लोग वहां पे कम होंगे, जब जब आपका हायरार्की नहीं होगा तो वो फ्लैट होगा, लेकिन वहां पे लोग ज्यादा होंगे जिनको आपको मैनेज करना है। लार्जर द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ पर्टिकुलर मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू गाइड द ऑर्डर स्ट्रक्चर वुड बी फ्लैटर। इसी लाइन देखो, इसका ठीक कॉन्ट्रेरी बोला गया है, ऊपर जो बोला है फ्यूअर नंबर है ना, तो वो फ्यूअर नंबर अगर होगा तो टॉलर हो गया, और लार्ज नंबर अगर होगा सबऑर्डिनेट्स का जिनको मैनेज करना है तो उसको हम फ्लैटर बोलेंगे। चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर टू रीजंस। अब कि कौन सा आपको मैनेज, कौन सा आपको चूज करना है, टॉलर वाला या फ्लैट वाला, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है दो कारणों के लिए। कौन कौन से कारण है? पहला है, फर्स्ट इट इज इट अफेक्ट्स एफिशिएंसी। पहला है कि इसको उसको चूज करने के बेसिस पे आपकी जो है एफिशिएंसी उसमें अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। टू वाइड अ स्पैन मे मीन द मैनेजर आर ओवर एक्सटेंडेड एंड सबऑर्डिनेट्स आर रिसीविंग टू लिटिल गाइडेंस और कंट्रोल्स। अगर वाइड स्पैन हो जाएगा, अगर फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैनेजर को सबको देखने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, अपने सबॉर्डिनेट्स को वो ठीक तरीके से गाइड नहीं कर पा रहा है, और ना ही वो उसको कंट्रोल कर पा रहा है। हो सकता है वो गाइड और कंट्रोल कर भी दे, लेकिन वो सबको टाइम ठीक तरीके से नहीं दे पाएगा, क्योंकि वहां पे लोग जो है ज्यादा हो जाएंगे, फ्लैट में लोग ज्यादा होते हैं जिनको मैनेज करना होता है। सो व्हेन दिस हैपेंस मैनेजर्स मे बी यू नो प्रेशर्ड टू इग्नोर और कंडोन सीरियस एरर्स, है ना। तो जब भी ऐसा होता है तो इस केस में क्या होगा, जो मैनेजर होगा वो या तो इग्नोर कर देगा चीजों को, इग्नोर होने लगेगा चीजें, या तो वो गलतियां करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मेरे साथ हुआ है, मुझे इलेक्शन ड्यूटी में बड़ा भेजा गया है और उसमें मेरे ऊपर बहुत ज्यादा काम है, आई डोंट नो मैं किस तरीके से करूंगा। तो यहाँ पे मैं गलती तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजों को मैं इग्नोर किया जा सकता है, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। तो वो लाइक अपने ऊपर है कि आप किस तरीके से करते हो। तो मैनेजर के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ज्यादा हो जाती है तो वो कुछ कुछ चीजों को इग्नोर करने लगता है जो जरूरी नहीं होता है, तो जरूरी होता है वो उसके ऊपर उसका फोकस ज्यादा होता है। और एरर अगर आप करते हो तो उसके लिए आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं होगा, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। बट समटाइम्स एरर भी निकल करके आते हैं, एरर भी हो जाता है। सो इन कॉन्ट्रास्ट टू नैरो स्पैन में मीन द मैनेजर्स आर अंडर यूटिलाइज्ड। और उसका ठीक उसका उल्टा, अगर आपके पास 10 लोग आप संभाल सकते हो, आप लेकिन संभाल सिर्फ 4 ही लोग रहे हो, इसका मतलब आपके आपका आपका जो पावर है वो ज्यादा है, ज्यादा लोगों को संभालने के पास आपकी एबिलिटी है, लेकिन आप संभाल कम कम रहे हो, उसका मतलब जो मैनेजर है वो अंडर यूटिलाइज है, उसका यूटिलाइजेशन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। दस द एक्सटेंशन ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, द नेचर ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, द प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंटेशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव सुपरविजन दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल इन्फ्लुएंस द डिजाइनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये वो 4 5 एक तरीके से फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं या एक तरीके से उसको चलाने में फैसिलिटेट करते हैं। आप जितना अच्छे तरीके से इसको कर पाओगे उतना अच्छे तरीके से आपका काम जो है वो हो पाएगा, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड उनको भी बताओ हमारे कोर्सेज के बारे में, दे कैन यू नो सब्सक्राइब टू आर कोर्सेज जो कि बहुत ही मिनिमल फीस पे अवेलेबल है, एंड फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। इन सारे कोर्सेज के अंदर में आपको यू नो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, यू नो आप और आपके सब्जेक्टिव टेस्ट भी आपका यहाँ पे लिया जाएगा। मैं टेस्ट के क्वेश्चंस डालूंगा, आपको वहाँ पे टेस्ट देने हैं, आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ। बहुत सारे फायदे हैं, फटाफट जाकर के ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां से आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।